गुड मॉर्निंग क्लास 9, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया। अभी तो आज से आप लोगों के सीनियर्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई, कल से आपकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो देयर इज वन रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल कि आप लोग में से कोई भी ये मत कोशिश कीजिएगा कि 9 बजे पहुंच रहे हैं, 9:05 में पहुंच रहे हैं। ठीक है, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ रीच, मतलब आप लोग 8:40 पे पहुंच जाइए। देखिए एक्चुअली होगा क्या, आप लेट से आएंगे तो थोड़ा पैनिक होगा चीज़ें, और पैनिक होगा मतलब अभी का टाइम जो है ना पैनिक नहीं करने का है। आप जितना जल्दी आएंगे क्या हो जाएगा, अगर 10 मिनट पहले आप घर से निकल जाओ और दोस्तों से बातचीत कम करते हुए आप, हाँ आपको करना है, आप अपना शाम के टाइम में निकलिए जैसे, ठीक है। लेकिन अभी स्कूल में आते समय क्या होगा कि आपकी पूरी 9th की स्ट्रेंथ आएंगी, और अगर आप कंटिन्यूअसली एक ही टाइम पे आ जाएंगे, अगर जैसे अगर सभी ये सोचेंगे कि अरे 9 बजने से 5 मिनट पहले मैं एंट्री करूँगा, इससे क्या होगा वहाँ पे भीड़ लग जाएगी। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना, ठीक है वहाँ पे तो थर्मल स्क्रीनिंग सबकी होगी, हु नोज किसी को हो और वो भी आ गया हो, ठीक है, नोबडी नोज। हाँ उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसको साइड कर दिया जाएगा, बट इट मे बी दैट वो बंदा आपसे आगे खड़ा हो, इट मे बी कि वो बंदा आपसे जस्ट आगे खड़ा हो। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू रीच योर स्कूल बाई 8:40, क्योंकि आपके पास टाइम होगा, आप आराम से अंदर जाएंगे विद सोशल डिस्टेंसिंग, सो इच एंड एवरी थिंग विल बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स। अगर आप कॉपरेट करेंगे तो स्कूल भी अच्छे से कॉपरेट, क्योंकि देखिए स्कूल तो कॉपरेट कर ही रही है और करती भी रहेगी अपने हिसाब से, लेकिन थोड़ा तो कॉपरेशन आपके साइड से भी चाहिए हम लोगों को, समझे। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, सो आई एम रिक्वेस्ट यू ऑल टू रीच बाई 8:40। जैसे ट्रेन पकड़ने के लिए पहुँच जाते हैं ना पहले टाइम से, वैसे यहाँ पे भी पहुँचाइए, क्योंकि वहाँ पे भी गैदरिंग ना हो, ये ना हो, उसकी वजह से हम लोग पहले पहुँच रहे हैं। यहाँ पे भी कोशिश कीजिए कि ट्रेन मतलब टाइम से आप लोग 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुँच के धीरे धीरे एंट्री कीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों का ये होगा कि अरे बहुत दिन के बाद मिले, होगा डेफिनेटली, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गांव जा चुके होंगे बट अभी आए होंगे स्कूल को लेके, तो थोड़ा मैत्री जो भावना है आपके अंदर इसको थोड़ा कंट्रोल करके रखिए। जीवन है तो सब कुछ है, अन्यथा तो कुछ भी नहीं। चलिए हम लोग आते हैं। देखो अभी हम लोगों ने जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट था तो उसका हम लोगों ने देख लिया, अर्थ और मून, अर्थ और एक बॉडी के बीच में, या फिर कोई एक मतलब दो बॉडी के बीच का हम लोगों ने चेक कर लिया क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, और जो ये जी का जो वैल्यू है ना, ये इतना ज्यादा कम है, जो कैपिटल जी मतलब 6.67×10^-11 जो है, ये इतना ज्यादा कम है ना कि मतलब आपको दिख ही नहीं पाएगा कि ये एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ इट विल स्लोली ऐसा ये एक्ट कर रहा है लेकिन हमें दिख नहीं पाएगा। जस्ट लाइक एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कि जो एक वायर होता है, ठीक है, एक जो वायर होता है, क्या आप उसको देख के बोल सकते हैं कि वो नीचे की ओर हैंग कर रहा है धीरे 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 धीरे, नहीं कर रहा है, बट वो कंटिन्यूअसली नीचे की ओर क्या हो रहा है, झुक रहा है, ठीक है, हैंग कर, जो वायर देखते हैं ना वो कंटिन्यूअसली नीचे की ओर आते जाता है आते जाता है, बट आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पे भी इतना स्लो मूवमेंट है ना, इतना मतलब फोर्स क्या पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतना धीरे धीरे वो नीचे की ओर लग रहा है ना इसीलिए, ठीक है, उसमें इतना धीरे धीरे डिफॉर्मेशन आ रहा है, तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। तो जी का जो कैपिटल जी का वैल्यू वो इतना ज्यादा कम है कि उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, हो रहे हैं बट हम उसको देख नहीं पा रहे, उसकी उस फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन भी हो रहा है। ये नहीं बोल सकते कि जो जी है, जी है ना, इसकी वजह से कुछ हो नहीं रहा है, हो रहा है बट हम लोग उसको अपीयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही लेस है, हम लोग उसको देख नहीं पा रहे, वो इतना छोटा है, वो इतना छोटा इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड
लॉ ऑफ मोशन। हमारा ग्रेविटेशन का न्यूटन थर्ड लॉ का कैसे हमारा एक दूसरे के साथ रिलेट करता है, हम लोग इसके बारे में पढ़े हमें। देखो एक चीज़ है, आज की क्लास में लिखा पढ़ी थोड़ा कम होगा और स्टेटमेंट ज़्यादा बोले जाएंगे। आप लोगों ने बहुत दिन पहले और फिर यानी तो सुना भी होगा यार, न्यूटन जब सो रहा था पेड़ के नीचे तो एक एप्पल उसके पास आके गिर गया। अभी वो ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का दोनों तो फोर्स लग रहा है, एप्पल और जो हमारा ये जो अर्थ है और यहाँ एप्पल जैसे गिरा, तो इस दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है। ये भी लगा रहा है और ये भी लगा रहा है। ये किस पे लगा रहा है? इस वाले बॉडी पे। ये किस पे लगा रहा है? इस वाले बॉडी पे। तो किसका ज़्यादा लग रहा है, सबसे पहली बात कि आखिर ज़्यादा किसका लग रहा है? डेफिनेटली सी बात है, हमारा इसका ज़्यादा लग रहा है, ठीक है? इसका फोर्स ज़्यादा लग रहा है और इसका कम लग रहा है। तो अभी इससे कम नहीं लग रहा है, ठीक है? तो अभी हमारा बैलेंस कैसे करता है ये हम देखेंगे अभी। तो ये जो मास है ना, तो हमें क्या, ये अब थर्ड लॉ में अगर अपन देखते हैं कि ये जैसे इस पे गिर गया तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस पढ़े थे ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, ठीक है? जिसकी वजह से हम लोग ये सब चीजें लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास क्या, लास्ट चैप्टर में देखे थे, ठीक है? तो जैसे देखो हम लोग मतलब क्या रहा थर्ड लॉ के हिसाब से, कि अगर कोई चीज़ ऊपर से गिर रहा है तो वो मतलब कोई भी चीज़ है वो किसी कहीं पे फोर्स लग रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शंस लगेंगे, ठीक है? तो हम लोग बोल सकते हैं वी कैन सी दैट एन एप्पल फॉल्स टू अर्थ अर्थ सर्फेस, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, जिससे अर्थ खींच रहा है उसको, पुल मतलब खींचना। एज अ रिएक्शन द एप्पल ऑल्सो एग्जर्ट एन इक्वल फोर्स, एप्पल भी उतना ही फोर्स लगाएगा किस पे, अर्थ पे, ठीक है? जितना एप्पल पे फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स अर्थ किस पे लगाएगा, एप्पल किस पे लगाएगा, अर्थ पे लगाएगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? तो मतलब क्या हो गया, हम लोग बोल, अगर हम लोग यहाँ बोलेंगे कि इफ क्या बोल सकते हैं, एप्पल फॉल्स टुवर्ड अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह पे लिख लो पुल, पुल और पुल्स भी तो फोर्स ही है, मतलब वो खींच ही रहा है ना, पुल ऑफ द अर्थ, अर्थ का है, ठीक है? इससे वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, एप्पल भी लगाएगा, फोर्स को, बट ये अपोजिट, ये इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ये इसके अपोजिट हो जाएगा। तो अभी हमको एक चीज सोचने का, जैसे कि चलो ठीक है, तो हमारे दिमाग में एक चीज आएगा कि भाई एप्पल का कुछ मास और एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन एप्पल के पास भी है और अर्थ के पास भी है। तो अगर अपन बात करेंगे तो क्या अर्थ जो है, जो हमारा क्वेश्चन है, अर्थ ऊपर की ओर लाइज करेगा क्या, मतलब लिफ्ट अप होगा क्या? क्योंकि हम तो बोल रहे हैं कि एप्पल भी लगा रहा है भाई फोर्स, एप्पल भी फोर्स लगा रहा है, अपोजिट, जस्ट अपोजिट फोर्स, तो क्या ये अप करेगा क्या? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नहीं भाई साहब ऐसा नहीं करेगा। अभी क्यों नहीं करेगा, अब हम लोग यहाँ देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, लेट द मास ऑफ एप्पल बी 1 kg, ठीक है, और मास ऑफ द अर्थ क्या था हमारा, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे 6.6 × 10⁻²⁴ kg था ना, ऐसा ही कुछ था शायद, 6 × 10⁻²⁴ kg था, ठीक है? अभी अब अर्थ उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, 9.8, वही है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 m/s², ठीक है? तो इतना तो उसमें एक्सेलरेशन लगा रहा है, तो भाई साहब ये वाले भी तो कुछ लगाएंगे। तो अभी देखो हमने सेकेंड लॉ
हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, यहां तक कोई डाउट? और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, ठीक है, फोर्स अपॉन मास। अभी देखो एक चीज देखना, आप यहां तक तो चीजें समझ में आई, हम लोग एक्सीलरेशन से कैसे रिलेशन निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमको एक्सीलरेशन से मतलब है, हमको फोर्स और मास से नहीं, फोर्स तो इक्वल लग रहा है, बट हमको मतलब किससे, एक्सीलरेशन से मतलब है। भाई साहब, जो अर्थ एप्पल पे जो लगा रहा है फोर्स, जो अर्थ एप्पल पे जो फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से जो एक्सीलरेशन होगा, एफ अपॉन एम, अर्थ का मतलब फोर्स, मतलब एम इन टू मान लो कुछ भी फोर्स, क्या बोल सकते हैं, एक मिनट रुक जाओ, एम क्या हो जाएगा यहाँ, मास ऑफ द, इसका क्या हो जाएगा, अर्थ का मास कितना हो गया, 6 × 10⁻²⁴ kg, ठीक है, अर्थ जो एप्पल पे लगा रहा है। अभी एप्पल टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है, तो देखो जो अर्थ एप्पल पे लगा रहा है, सॉरी ये वाला नहीं, जो अर्थ जो है हमारा एप्पल पे लगा रहा है, तो वहां पे एक्सेलरेशन कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी एक्सेलरेशन से खींच रहा है ना वो अपने आवाज। अब जो एप्पल अर्थ पे लगा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम हो जाएगा, एप्पल अर्थ पे लगा रहा है, तो यहाँ पे अर्थ का एक्सीलरेशन निकालेंगे, क्योंकि अर्थ ही तो लिफ्ट कर रहा है ना, तो उस फिर से समझने की कोशिश करना, एक एप्पल ऊपर से गिरा, ठीक है, जब ऊपर से वो गिर रहा है, तो थर्ड लॉ के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स तो बैलेंस करेगा ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तभी जैसे हमको अर्थ उसको अपने तरफ खींच रहा है, तो एक पुल के साथ खींच रहा है, तो उसमें उसका एक्सीलरेशन तो दे दिया उसने, और मास, ठीक है, तो उसको उस हिसाब से खींचा, जो फोर्स उस पर, जिस जो फोर्स से वो आएगा वही ना अर्थ उस पर फोर्स लगाया, जो फोर्स उस पर आएगा वही ना अर्थ उस पर फोर्स लगाया, जिस तरीके से वो आ रहा है वही उस पर लगाया अर्थ। तो अभी क्या हुआ, जैसे ये एप्पल नीचे की ओर गिर रहा है, तो ये हमारा जैसे अर्थ सरफेस है, ये जितना से इसको लगाएगा, खींचेगा अपनी ओर, तो वही इसका फोर्स लग गया ना इसके इसके ऊपर, बट अब ये जो एप्पल है वो भी तो इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है, ये जो एप्पल है वही, वो भी तो इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े थे ना एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो अभी देखो मास का, ये जो अर्थ का मास का वैल्यू है वो क्या है, 6 पॉइंट, मान लो ये 1 है, मान लो ये 9.8 मतलब कितना हो? उसका वो वाला जो फोर्स है वो मान लो, चलो इधर, तो ये क्या हो जाएगा, 6.6 × 10⁻²। अभी आप इसको डिवाइड डिवाइड करोगे तो आपको ये वैल्यू कुछ आ जाएगा, 1.63 × 10⁻²-24, ठीक है, अभी दिखा देता हूँ कैसे आ रहा है, ये देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी ये चलो ये क्या है, एम इंटू ए है, इसका मास मान लो 1 है, और ये एक्सेलरेशन 9.8 है, इसको मान लेते हैं हम लोग 10, 9.8 को 10 मान लेते हैं इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो गया, ये 10 हो गया, अभी 10 डिवाइडेड बाई 6, तो 1.0364, मतलब ये क्या चलेगा, ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा, ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, ये देखो ये कितना आया, 1.63, मतलब जो एप्पल का एक्सेलरेशन है, एप्पल्स एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ पुल क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू एप्पल पुल
एप्पल भी तो अपना कुछ लगाएगा, पुलिस को खींचने की कोशिश करेगा। तो वो क्या है, 1.6 10^-24 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये वैल्यू देखो कितना छोटा है। तो हेंस एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज टू स्मॉल, ये वाला टू इज टू स्मॉल टू एक्सपीरियंस, ये हमें एक्सपीरियंस ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? एक बार फिर से आप समझने की कोशिश करना, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का हो गया यहाँ पे। अभी देखो अर्थ जब एप्पल को पुल लगा रहा है तो अर्थ एप्पल क्या एक्सेलरेशन दे रहा है, 9.8 × 10^9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एप्पल का मास मान लो 1 है। अब एप्पल लगाएगा अर्थ पे तो अर्थ कुछ पुश पुल ले रहा है उसमें, उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? तो जो फोर्स अर्थ लगा रहा है, जैसे एप्पल लगा रहा है, तो एप्पल क्या लगा है, m × a, तो 1 × 9.8, 9.8 को हम क्या लेते हैं, 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, ये अभी क्या हो जाएगा, तो ये 10/6 × 10^24, तो ये क्या आ गया हमारा, एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ आ जाएगा। एप्पल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ये इतना हो गया, यहाँ पे ये लग रहा है, ये ठीक है। इस पे हम लोग मास का भी एक फैक्टर बोल सकते हैं, मास ऑफ अर्थ इज बहुत ज्यादा है मास ऑफ एप्पल से। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब ग्रेविटी और फ्री फॉलिंग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट।